नानक धाम दा कोई सेवादार शस्त्र नहीं चुकेगा ना शस्त्र रखेगा, ए पास कीता गया और रवेगा। और आज तक नहीं आही ये काम कीता ना करना है। साढ़े हिंदुस्तान बंदे भी मरे, सानू कई सेवक आख्या जे हजूर कित हुक्म दे देंदे ते नहीं की ताकत सी। और यह भी है इहो जे साढ़े सेवक ने बंदे चुक के घर चो लै आउण, पर नहीं इक्को आवाज है हथ पिछे और मूह नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सब तो जोरदार हथियार अते ढाल है जिहड़ी कि कई लोगों ने ग्रेवजंड विच वेखी सी। कई लोगों ने कि नानक नाम चढ़दी कला की ताकत च की ताकत है। वक्त आएगा, अज खुला उपदेश दे रहे हैं कि कोई सेवक आही नहीं डर देना गुरद्वारे वाले भाइयों को, ज्ञानियों को, कालिया को ना डर दें, गौरमेंट को, चाहे वह हिंदू की हो चाहे सिख की हो, मुसलमान की होसाई की हो, कहेंगे डट के मुकाबला करो न्याय का, सच्चाई का, सचखंड आनकता के हर प्रेमी नू उठ के तो हूँ खड़ा हो जाना चाहिए। वह मर जाना बेहतर है पर किसी मारना नहीं। रेगुलेशन क्रांति जरूर लियानी है पर गरदारी नहीं। कौम नाल, धर्म नाल, मुल्क नाल अपनी गरदारी ना करियो। ये साडा खुला संदेश है, खुली अपील है। मरना है भी इसे खातर है, कोई गम नहीं, पर अज अही खुली आवाज दे रहे हैं जिस दे कमेटियां, सेवा दल, युवा दास धर्म, दास धर्म दे मेंबर, माइया सेवादार, तुसी साडा काम करो जिहड़ा अही कह रहे हैं ते गुरु नानक तुहाडा काम करेगा जिहड़ा तुसी कहोगे। ये वचन रहा अज दे दिन उत्ते और साल तक। बोलो नानक नाम। तुसी एनी दूर आउंदे हो, आज सवेरे सी आ रहे सी ते ठंड च बाहर लोग लगे, ग्लासगो तो लोग आए ने राती, किन्ने टाइम तो चले उत्थों और किन्ने टाइम इत्थे पहुंचे। एडी दूरों आ के भी जे असी इत्थे माड़े विचार लैके गए, माड़े ख्याल लैके गए, साढ़े पल्ले कुछ ना पिया ते साडे थे आमना जिहड़ा उह बेमुल्ला गया। असां इत्थे बैठे हां, तुहाडे दे कपड़े पाए ने, तुहाडे दा साडा चेहरा है, आ स्पीकर असां कोई तुहाडे वर्गा ही है, तो खुर हथी कुछ नहीं देना। पर एक पावर है जिहड़ी कि साडे पिछे है, जिहड़ी सानूं तुहानूं सारों कट्ठियां करके लिआउंदी है। मैं नहीं जानता, तुम मेरे मूँह वेखन नहीं आते, मेरे वर्ग होर बथेरे थे मूँह चुक के तुरे फिरते सड़कों पर, को पावर खिच के तुम धरू के लै आती है बार बार, सुते उठा के बिठा दी, उठो बह जाओ, वेखो विचार करो की गल हुई, क्यों की गलती हुई, फिर सवा दी है। वो कोई सुप्रीम, कोई सुपर, कोई नैचुरल कोई चीज़ है। इसलिए असी अपील करांगे कि जे इत्थे आउंदे हो कुछ दे के ना जाओ पर इत्थे कुछ लै के जरूर जायो। वो देने वाली पावर एक है, वो तुहानूं जरूर देवेगी। दो घड़ी आओ, एक घड़ी आओ, पर अपने आप नूं मंदा बोल नहीं बोलना, सच बोलो, सरबत दा भला मंगो, साधी संगत करो, सिद्धक रखो ते शहादत दियो। और यह है गुण। और जे तुसी रब नूं मनदे हो चाहे किसी रूप च भी, इत्थे तुसी मुड़ के आउणा कि नहीं आउणा, पर यह अपील है कि मीट, अंडा, मच्छी और नशे आदिक जिन्नियां भी चीज़ां ने वह आप भी त्याग दियो, और आने वाली जन्ने जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं कह दिओ तुसी छड्ड दिओ। जे तुहाडे 10-10 साल खाद्या तुहाडी सेहत नहीं बनी, तुहाडे रोग नहीं कट्टे गए, तुहाडे बच्चों का की बन जाएगा। कदी तुसी रब दा नाम लैके ना
सच्ची तुम एक सुक्का रोटी खा के वेखो जे तुम कोई कमजोरी आ जाए ना तो ही जिम्मेवार जे तुम बाहरी शरीर वेख दे ताकत के तुहाडे सामने यही भी बैठे हाँ तो यह भी बैठा है असी आप एक टाइम रोटी खाने दाल फुलका मन च कोई चीज़ होर खानी पे तो खा जाइए मगर वनस्पति भोजन खाते हैं आ तुहाडे सामने है कोई असर नहीं कोई फर्क ही नहीं वह पीओगे मांस खाओगे डंगरां दा घर दे लड़ोगे न्याणे तुहाडे लड़नगे तुसीं न्याणे नाल लड़ोगे न्याणे तुहाडे कोल पैसे चोरी रखणगे तुसीं न्याणे कोल रखोगे जे तुसीं इत्थे आउणा मुड़ के नहीं आउणा मगर ये सब चीज़ां बंद करके अपने अपने रब नूं ध्यालो हिंदुस्तान च 360 रब ने ते बनी यूरोप च किन्ने घोणे ने पर इत्थे 80 रब ने नहीं जी आउणा इस कंट्री च हिंदुस्तान च आउणा है और बार बार आउंदा रहा वह आंदा रहेगा यूरोप कंट्री ना उन्हें जन्म लिया ना लैना ये रब जाने पर नहीं कुछ देश नहीं चंगा लगता चार युग पलट गए ने शायद ठंड उन्होंने ज़्यादा लगती है इत्थे